Hello friends, welcome back to my channel. The season has changed and the fresh and cool monsoon is here. Everything is green and growing now with great growth and promise. आज का जो वीडियो है वो मॉनसून स्पेशल है. इसमें आज हम बात करेंगे कि कौन कौन से प्लांट्स के कटिंग आप इजीली घर पे लगा सकते हैं. तो इस वीडियो में हम कुछ ऐसे प्लांट्स देखेंगे जो कि मॉनसून पीरियड में इजीली रीग्रो कर जाते हैं. इजीली आप कटिंग से न्यू प्लांट्स बना सकते हैं. तो ये बहुत ही करेक्ट टाइम है अपने प्लांट्स को रिपोर्ट करने और प्रोपोगेट करने के लिए. आप अपने प्लांट्स से और प्लांट्स बना सकते हैं. मदर प्लांट्स और बुशी होता है और हमारा एनवायरमेंट और ग्रीन और पॉल्यूशन फ्री होता है. तो स्टे कनेक्टेड विथ मी टिल द एंड टू नो ऑल द नेम्स ऑफ द प्लांट दैट यू कैन रीग्रो थ्रू कटिंग्स. मनी प्लांट्स बहुत ही इजीली कटिंग से ग्रो करते हैं. मनी प्लांट को प्रोपोगेशन के लिए हमेशा नोड से कट करना चाहिए जहां से एयरी रूट्स निकलती हैं, और फिर आप इसे वाटर में या फिर डायरेक्टली सॉइल में प्रोपोगेट कर सकते हैं. जेट प्लांट इजीली कटिंग से प्रोपोगेट करता है. आप इसे सॉइल के ऊपर रख भी देंगे तो इसमें रूट्स का फॉर्मेशन हो जाता है. ट्राई करें इसे सन में ही रखें. इंडोर रखने से ये प्लांट खराब हो जाता है. फाइकस, ये इजीली प्रोपोगेट होता है सॉइल में और वाटर में भी, बट रेनी सीजन में इसका 100% चांसेस होते हैं. रेनी सीजन में ये कटिंग से इजीली ग्रो करते हैं. क्रोटॉन्स की कोई भी वैरायटी हो वो स्टेम कटिंग से और लीफ कटिंग से भी ग्रो कर जाते हैं. तो ये बहुत ही अच्छा इंडोर प्लांट है और इसे आप इजीली रेनी सीजन में ग्रो कर सकते हैं. ये है गोल्डन हेज प्लांट जिसे बाउंड्री को डेकोरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है. ये बहुत ही ब्यूटीफुल आउटडोर प्लांट है. आप इसे कट करके अच्छा बोनसाई का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं. ये है चंपा का प्लांट जिसे आप कटिंग से इजीली ग्रो कर सकते हैं. इसके बहुत सारी वेराइटीज़ आती हैं और डिफरेंट कलर के फ्लावर्स भी. ये है चांदनी का प्लांट जिसे टगर भी कहा जाता है, और इसके फ्लावर्स पूजा के लिए यूज़ किए जाते हैं. ये है मैरीगोल्ड का प्लांट जिसे आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं और वन प्लांट से सेवरल प्लांट्स कर सकते हैं. जनरली इसमें एयरी रूट्स का फॉर्मेशन होता है. आप अगर यहाँ से कट करेंगे तो इसे रूट फॉर्मेशन के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा. यह है डेफिनबेशिया जो कि इजीली स्टेम कटिंग से ग्रो कर सकते हैं. इसमें बेबी प्लांट्स भी आते हैं जिसे आप अलग करके न्यू प्लांट्स में डेवलप कर सकते थे. फिडेलनिफिक, ये कम्प्लीटली इनडोर प्लांट है जिसे ब्राइट लाइट चाहिए. आप इसे भी कट करके प्रोपोगेट कर सकते हैं. ये टर्टल वाइन का प्लांट है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल हैंगिंग प्लांट्स मेक है. आप इसका एक सिंगल कटिंग से बहुत ही खूबसूरत प्लांट बना सकते हैं, और ये बहुत फास्ट ग्रो करते हैं. इसमें भी एयरी रूट्स होते हैं जो कि इजीली ग्रो कर जाते हैं. ये है वेरी ब्यूटीफुल मॉन्स्टेरा डेलिकोसा, और आप इसे नोड से कटिंग करके न्यू प्लांट्स बना सकते हैं. इसके लीव्स बहुत बड़े होते हैं और इसमें बहुत ही ब्यूटीफुल होल्स होते हैं जो कि इसे बहुत अट्रैक्टिव बनाते हैं. ये है रबर प्लांट. आप इसे इजीली कट कर सकते हैं और एक से कई प्लांट बना सकते हैं. आप इसे इजीली एयर लेयरिंग के थ्रू भी ग्रो कर सकते हैं. ये है ड्रेसिना. ड्रेसिना की कोई भी वेराइटी हो आप उसे इजीली कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, या फिर सिंपली पानी में रख दीजिए कटिंग को, या फिर सॉइल में डायरेक्टली लगा दीजिए. वो कैसे भी ग्रो हो जाएंगे. ये एक लो मेंटेनेंस प्लांट है. ये है एग्लोनीमा, और बहुत ही ब्यूटीफुल इंडोर प्लांट्स हैं. आप इसे इजीली कटिंग के थ्रू प्रोपोगेट कर सकते हैं. आप इसके कटिंग्स वाटर में या डायरेक्टली सॉइल में भी प्रोपोगेट कर सकते हैं. ये है मोगरा या जैस्मिन का प्लांट जो कि एक आउटडोर प्लांट है. इनके फ्लावर्स में बहुत ही इंटेंस फ्रेग्रेंस होती हैं. आप इन्हें इजीली कटिंग से ग्रो कर सकते हैं मॉनसून में. बोगेनविलिया, ये बहुत ही ब्यूटीफुल आउटडोर प्लांट है. समर्स में इसकी फ्लावरिंग होती है, और आप इसे घर में बोनसाई के फॉर्म में भी रख सकते हैं. सिंगोनियम एक एयर प्यूरिफायर प्लांट है जो कि बहुत बहुत इजीली कटिंग से लग जाती है. इसके नोड्स में आपने देखा होगा एयरी रूट्स बनते हैं. आप
नोट से कट करके पानी में या फिर सॉइल में डायरेक्टली ग्रो कर सकते हैं। ये ओलियंडर या फिर कनेर का प्लांट है जिसमें 12 मंथ्स फ्लावरिंग होती है। इसे आप इजीली कटिंग के थ्रू लगा सकते हैं। मॉस रोज इजीली कटिंग के थ्रू लग जाती है और इसमें समर्स में फ्लावरिंग होती है। इसमें दो वेराइटीज़ आती है, इंडियन वेराइटी एंड हाइब्रिड वेराइटी। हाइब्रिड में सीड्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि आप नेक्स्ट सीजन के लिए स्टोर कर सकते हैं। दिस इज़ विनिका और सदाबहार इन हिंदी। ये एक एनुअल प्लांट है जो कि आपको हर सीजन में फ्लावर्स देगी और ये इजीली कटिंग के थ्रू लग जाती है। हिबिस्कस प्लांट बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट है। इसके फ्लावर्स बहुत बड़े होते हैं और बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं और साथ में इसके प्लांट भी इजीली कटिंग के थ्रू लग जाते हैं। रोज़ प्लांट तो सभी का फेवरेट प्लांट है। आप चाहे तो इसे मॉनसून में कटिंग के थ्रू लगा सकते हैं। ये डेफिनेटली एक स्ट्रेस बस्टर प्लांट है और इंडियन रोज़ मॉनसून में बहुत ही इजीली लग जाती है। स्नेक प्लांट एक कलरफुल इंडोर प्लांट के साथ साथ एक बहुत ही अच्छा एयर प्यूरिफायर प्लांट है जिसे आप इसके लीफ के कटिंग से प्रोपोगेट कर सकते हैं। इस वीडियो में मेरा लास्ट प्लांट है एडीनियम, जो कि मोस्टली समर्स में प्रोपोगेट किया जाता है, बट आप रेनी सीजन में भी उतने ही अच्छे रिजल्ट के साथ प्रोपोगेट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जिन्हें आप स्टेम कटिंग से, लीफ कटिंग से या फिर रूट डिवीजन से प्रोपोगेट कर सकते हैं। ये एक ऐसा सीजन है जिसमें बिगिनर्स भी इजीली प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। तो इफ आपको भी प्लांट्स का शौक है और आपको भी गार्डनिंग करना है तो ये सीजन आपके लिए बेस्ट है। तो आप लोगों ने क्या क्या न्यू प्लांट्स लगाया है मुझे जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।